हेलो एंड वेलकम टू ब्लेड लर्नर सो इन दिस वीडियो हम ये देखेंगे कि कौन कौन से यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में किन किन एरियाज से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और प्रीडोमिनेंटली uh, किस किस टॉपिक से पूछे गए उसको भी देखेंगे सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड बिफोर वी स्टार्ट मेक श्योर विद द सब्सक्राइब बटन मेक श्योर विद द बेल आइकन एंड आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है सो लेट्स गेट स्टार्टेड यहाँ आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सौ क्वेश्चन उनको हम ब्रॉडली एट सब्जेक्ट में डिवाइड कर सकते हैं History, Politics, Science, Tech, Ecology, IR, Economy, तो इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है स्ट्रेंजली इकोनॉमिक्स से आया है अप्रोक्सीमेटली uh, ट्वेंटी uh, ये फाइनेंशियल क्राइसिस एरिया में पेंडेमिक में और uh, जो एम एस पी था उस पर ज्यादा जोर दिया गया है वर्ल्ड uh, ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चन था आई से भी क्वेश्चन था रिजर्व रैचर की बात करी गई थी उस तरीके से देखेंगे तो आई और आई और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एक ही क्वेश्चन आया है आई में प्रीडोमिनेटली एक क्वेश्चन आया है हा, हाँ आई में जी बस पूछा था जी ट्वेंटी कंट्रीज के बारे में पूछा गया था और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एक क्वेश्चन आया था विभिन्न कन्वेंशन के ऊपर और अगर इकोनॉमी के बाद जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर किसी एरिया से आया तो हिस्ट्री से आया और हिस्ट्री में भी जो आज तक का ट्रेंड रहा उसी को फॉलो किया यूपीएससी ने मीनस की जो ट्वेंटी क्वेश्चन है उसमें से आधा क्वेश्चन टेन क्वेश्चन जो है वो मॉडर्न यानी कि आधुनिक भारत इतिहास से आए हैं एंड उसमें से भी आप देखेंगे तो ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो एटीन फिफ्टी सेवन और बेसिकली अगर कहे तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद से है ब्रिटिश राज पीरियड से पूछा गया है लाइक फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में पूछा गया है राखम भाई केस के, के बारे में पूछा गया बिरसा मुंडा बिलियन के बारे में पूछा गया आपसे सो so, और आ, बाकी के जो क्वेश्चन है उसमें से जो एंसेंट हिस्ट्री है उसमें से आठ क्वेश्चन पूछे गए एसेंट हिस्ट्री में से और एंसेंट हिस्ट्री में सबसे स्ट्रेंज चीजें हैं लाइक यूपीएस स्ट्रेंड को फॉलो करते आ रहा है कि इसमें की टर्म कुछ दे दिए जाएंगे आपको की और बताना होगा कि इसका मतलब क्या था हर्षवर्धन की राह से भी क्वेश्चन पूछा गया है इंस्क्रिप्शन के बारे में भी हमसे कुछ पूछ लिया गया है और मिडावल हिस्ट्री में आ, दो ही क्वेश्चन केवल पूछे गए हैं और उसमें भी आप देखेंगे तो मेनली जो है क्वेश्चन वो पालाम पार वाला एक क्वेश्चन था और एक हुंडी प्रथा वाला था जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज वाला था मुगल पीरियड के दौरान इसके जा, इसका ज्यादा यूज होता था श्रॉप यूज करते थे <laughs> तो ये आप देख सकते हैं ट्वेंटी क्वेश्चन इन हिस्ट्री एंड उसमें भी आधे जो क्वेश्चन है वो आधुनिक भारत से मॉडर्न हिस्ट्री से एंड बाकी के जो आधे उसमें से आठ दो रेशियो हमारा एसियन एंड मिडाउल हिस्ट्री का उसके बाद इकोनॉमिक सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया एमएसपी का क्वेश्चन है एंड से क्वेश्चन पूछा गया है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेजन से भी क्वेश्चन पूछा गया रिजर्व बैंक से भी क्वेश्चन पूछा गया है पेंडेमिक को कंसर्न में रखते हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक के संदर्भ में भी क्वेश्चन पूछा गया है एंड उसके बाद हम देखेंगे कि पॉलिटी में पॉलिटी में जो डोमिनेटेड एरिया है वो कॉन्स्टिट्यूशन का है और उसमें भी डीपीएसपी और आर्टिकल के बारे में पूछा गया है देन पार्लियामेंट के बारे में भी पूछा गया है हमसे लीगल सर्विसेज के बारे में भी पूछा गया है और पॉलिटिकल uh, साइंस से भी एक क्वेश्चन था गांधीजम और मार्क्सिज्म uh, से रिलेटेड तो वो भी पूछा गया है साइंस एंड टेक में आप देखेंगे तो जो ब्लॉक uh, टेक्नोलॉजी थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जो बायोलॉजी थी उसने उसनेट उसने डोमिनेट किया है सेक्टर को जिनोम uh, से क्वेश्चन पूछा गया है न्यूक्लियर बायोलॉजी uh, से क्वेश्चन पूछा गया है एंड उसके बाद इकोलॉजी इन्वायरमेंट में अगर आ जाए तो इसमें हमारे पास बेसिकली जो क्वेश्चन है पॉल्यूशन से रिलेटेड पूछे गए हैं या एस से रिलेटेड पूछे गए हैं कार्बन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं एक जेट स्ट्रीम का भी क्वेश्चन आया था देन आप देख सकते हैं कि टाइगर uh, रिजर्व से भी क्वेश्चन पूछा गया है कोई ऑप्शन दे दिया गया था कहा, कहा गया था कि इसमें से किस टाइगर uh, रिजर्व को uh, हाल ही में क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट में डाला गया है देन हमारे पास जो अगला सेक्टर आता है ज्योग्राफी का इसमें भी आप देखेंगे तो जो ज्यादातर एरिया था जैसे हमारा इकोनॉमी में अभी एमएसपी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन थे वैसे ही ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हुए थे और नेशनल पार्क से भी क्वेश्चन था वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन था इंडोनेशियन कैसपियनसी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे ऑप्शन फॉलोइंग करके सो ये सारी चीजें थी इसमें एंड टोटल एक सौ क्वेश्चन पूछे गए थे तो आप देखें कि जो वन बाय फिफ्थ क्वेश्चन थे वो आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स से यानी कि दो टू बाई फिफ्थ क्वेश्चन इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री से आए थे तकरीबन इकतालीस क्वेश्चन आप देख सकते हैं हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स से आए थे तो अगर आपने इन दोनों सेक्टर को ही इन दोनों सब्जेक्ट को ही बढ़िया से प्रिपेयर किया होगा तो आप बढ़िया स्कोर कर सकते थे और कट के लिए तकरीबन आपको पचास है ऊपर उससे ज्यादा क्वेश्चन चाहिए होते हैं तो इससे आपका बहुत ज्यादा यू नो हेल्प मिल सकती थी और इकोनॉमिक्स में बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी थे फैक्ट्स से हालांकि कम क्वेश्चन पूछा गया था लाइक बताया था मैंने आपको कि मनी सप्लाई से ज्यादा क्वेश्चन थे बोहोइ से ज्यादा क्वेश्चन थे फाइनेंशियल क्राइसिस को फाइनेंशियल uh, क्राइसिस को कंसडर करते हुए जो वर्ल्ड इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर भी क्वेश्चन था कि कैसे हम यू you नो know, इंडिया को बचा सकते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस में क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं वीडियो और हम जल्दी से कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए सॉल्व पेपर लेके आए पूरी तरह से सोल्व एंड डिटेल पेपर एनालि के साथ सो टिल देन टेक केयर हैव ए ग्रेट डे थैंक यू